जब से क्रिकेट का T20 फॉर्मेट आया है तब से बल्लेबाजों का फॉर्मेट भी बदल गया है। अब लोग बल्लेबाज के मैदान में उतरते ही उससे छक्के या चौके की उम्मीद करने लगते हैं। ये T20 क्रिकेट ही है जिसने लंबे लंबे छक्के लगाने वाले गेल, पोलार्ड, ऋषभ पंत, शेन वॉटसन जैसे क्रिकेटर को छक्के लगाने में उस्ताद बना दिया है। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ खिलाड़ी ऐसे भी हैं जिनका पूरा वनडे करियर खत्म हो गया हो और एक भी छक्का ना लगा सके हो। आज हम आपको कुछ ऐसे ही खिलाड़ियों से मिलाते हैं जिनके बल्ले से छक्के निकले ही नहीं। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है पूर्व ऑलराउंडर मनोज प्रभाकर का। टीम के लिए गेंद और बल्ले से अहम भूमिका निभा चुके मनोज प्रभाकर अपने करियर में 130 वनडे खेल चुके हैं। इस दौरान उन्होंने कुल 2 शतक और 11 अर्धशतक लगाए हैं, लेकिन अपने पूरे वनडे करियर में एक भी छक्का नहीं लगा सके। दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया क्रिकेटर कैलम फर्ग्यूसन हैं, जिन्होंने अपने वनडे करियर में 30 वनडे खेलकर 663 रन बनाए हैं, लेकिन 33 साल के फर्ग्यूसन के नाम एक भी छक्का दर्ज नहीं है। तीसरे नंबर पर है इंग्लैंड के पूर्व क्रिकेटर जॉफ्री बॉयकॉट, जिन्होंने अपने करियर में 36 वनडे खेलकर 1082 रन बनाए हैं। 1 शतक और 9 अर्धशतक लगाने वाले बॉयकॉट ने अपने पूरे करियर में एक भी छक्का नहीं लगाया। इस लिस्ट में एक और नाम है श्रीलंका क्रिकेटर थिलन समरवीरा का। 41 साल के थिलन समरवीरा 53 वनडे खेल चुके हैं, लेकिन पूरे वनडे करियर में उनके बल्ले से एक भी छक्का नहीं निकला। आखिरी नंबर पर है जिम्बाब्वे के पूर्व क्रिकेटर डियोन इब्राहिम। 37 साल के इस क्रिकेटर ने अपने करियर में कुल 82 वनडे खेले हैं। इस दौरान 1 शतक के साथ 1443 रन बनाए, लेकिन हैरानी की बात है कि 82 वनडे खेलने के बावजूद वो पूरे करियर में एक भी छक्का नहीं लगा सके।